So this is the Suzuki Gixxer SF-150 2023 OBD2 और E20 model. So शुरुआत करते हैं फ्रंट से. So फ्रंट में आपको मिलता है यहाँ पे 100x80 सेक्शन ऑफ फ्रंट टायर विथ ऑब्वियसली फ्रंट डिस्क ब्रेक एंड यू कैन सी सुजुकी लोगो ओवर हियर. आपको फुल LED सेटअप मिल जाता है सामने सामने की तरफ. यहाँ पे आपको एक विंडशील्ड मिलता है फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम विंड ब्लास्ट. सामने का जो सस्पेंशन दिया गया है वो टेलीस्कोपिक है और यहाँ पे आप देख सकते हो बाइब्री की तरफ से कैलिपर्स मिल जाता है आपको. टर्न सिग्नल्स स्टिल आपको हैलोजन में ही मिलेगा. यहाँ पे जिक्सर सेप का ब्रांडिंग किया गया है और दिस नियॉन कलर स्पेशली इन दिस ग्लॉसी ब्लैक लुक्स प्रीमियम. टैंक के ऊपर सुजुकी का लोगो और दिस इज ऑफ कोर्स द E20 कंप्लायंट न्यू मॉडल. यू कैन सी द E20 बैजिंग. आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है इस गाड़ी में और नीचे भी साइड कॉल में आपको सुजुकी का ब्रांडिंग किया गया है. यहाँ पे एंड दिस इज द लेटेस्ट ग्राफिक्स. इस गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है आप देख सकते हो 160 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है जो एक फुल फेयर्ड स्पोर्ट्स बाइक के हिसाब से अच्छा है. नीचे की तरफ आपको फाइबर का अंडर कवर मिलता है. साइड स्टैंड इंजन कटऑफ सेंसर भी आपको मिल जाता है इस गाड़ी में. थोड़ा सा साइड में आ जाते हैं यहाँ पे आपको SEP का लोगो मिल जाता है मतलब सुजुकी इको परफॉर्मेंस है इसके अंदर जिसकी वजह से फ्यूल एफिशिएंसी इस गाड़ी में बहुत ही अच्छा मिलता है. कमिंग टू द इंजन सो हियर वी हैव द 155cc फोर स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन व्हिच प्रोड्यूसेस 13.6 BHP ऑफ पावर एट 8000 RPM एंड 13.8 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क एट 6000 RPM मेटेड विद अ 5 स्पीड गियरबॉक्स. पीछे आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है देखो. फुट पेक्स का क्वालिटी बहुत ही अच्छा है. यहाँ पे एल्यूमिनियम फुट पेक्स पिलियन के लिए दिया गया है व्हिच लुक्स प्रीमियम. और ये रहा रियर ब्रेक ऑयल का कैप. साइड में आपको डुअल बैरल एग्जॉस्ट मिल जाता है जिसके ऊपर एक क्रोम फिनिशिंग दिया गया है व्हिच एड्स अ प्रीमियम एलिमेंट ऑन दिस मोटरसाइकिल. पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है लेकिन यहाँ पे आपको ABS नहीं मिलता क्योंकि ये सिंगल चैनल ABS के साथ आता है गाड़ी. पीछे आपको जो टायर प्रोफाइल दिया गया है वो 140x60 सेक्शन का है तो ग्रिपिंग के मामले में थोड़ा सा मोटा टायर प्रोवाइड किया गया है सो यू कैन इजीली राइड इनटू एनी टेरेन. पीछे आपको रियर में टायर हैगर मिल जाता है. यहाँ पे साइड में आपको रिफ्लेक्टर्स मिलता है सो विजिबिलिटी के मामले में अंधेरे में कोई दिक्कत वाला चीज़ नहीं होगा. पीछे भी टर्न सिग्नल आपको हैलोजन में दिया गया है लेकिन पीछे का जो टेल सेक्शन का लैंप है मतलब टेल लैंप है वो LED में दिया गया है. पीछे आपको दो ग्रैब रेल्स मिल जाता है साइड बाय साइड यहाँ पे सो आसानी से पिलियन जो भी हो वो पकड़ के बैठ सकता है. इस गाड़ी के अंदर आपको स्प्लिट सीट देखने को मिलता है. इस गाड़ी में आपको क्लिप ऑन हैंडल बार मिलता है ये देखो. तो प्रॉपर जो एक स्पोर्ट्स बाइक का स्टांस होता है राइडिंग डायनामिक्स के हिसाब से वो इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है. अब चाबी को कर लेते हैं एक बार ऑन. तो
इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का सीक्वेंस कुछ इस तरह का रहता है, और इस दो बटन के थ्रू आप ऑप्शन और मेनू को टगल कर सकते हो और सिलेक्ट डिसलेक्ट कर सकते हो। सो हियर यू गेट अ फुल LCD डिस्प्ले, और यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, ऊपर में है RPM मीटर मतलब टैकोमीटर, ऊपर एक क्लॉक मिल जाता है आपको, यहाँ पे लो फ्यूल का इंडिकेशन मिलता है। इसके अलावा आपको इस गाड़ी में सुजुकी राइट कनेक्ट ऐप के थ्रू ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर्स भी मिलता है, और उसके थ्रू आप यहाँ पे टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल लॉग, मिस कॉल अलर्ट और SMS अलर्ट भी आप देख सकते हो यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर। यहाँ पे आपका न्यूट्रल का इंडिकेशन मिल जाता है, ABS का सिग्नल दिया हुआ है यहाँ पे। तो चाबी ऑन होने के साथ साथ इस गाड़ी का हेडलैम्प और टेल लैम्प दोनों जल जाता है। टेल लैम्प कुछ इस तरह से दिखता है, LED में दिया गया है तो पीछे से खूबसूरत लगता है ये देखने में। और सामने की तरफ हम लोग जाए तो ये देखो फुल LED में आपको हेडलैम्प मिल जाता है यहाँ पे। व्हाइट कलर का ये LED का इस्तेमाल किया गया है तो विजिबिलिटी के मामले में कोई ऐसा इशू नहीं आने वाला है। थ्रो भी बहुत ही अच्छा है इस लाइट का। चलो अब गाड़ी को करते हैं स्टार्ट और सुनते हैं इसका एग्जॉस्ट नोट। और इसका स्टार्ट सिस्टम थोड़ा सा अलग है, मतलब चाबी ऑन करने के बाद गाड़ी न्यूट्रल में होने के बावजूद भी आपको क्लच दबा के फिर सेल्फ मारना है। क्लच पूरा दबा हुआ है यहाँ पे, मेरे लेफ्ट हैंड से क्लच पूरा दबा हुआ है, अभी मैं सेल्फ दूंगा। ये देखो थोड़ा सा चाबी को ऑन कर लेते हैं उससे पहले। थोड़ा सा थ्रॉटल को ओपन करते हैं। सो कैसा लगा ये गाड़ी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो अपना ओपिनियन, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।